गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड मॉरल साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 कंपैशन। कंपैशन कंपैशन मींस होता है दया, काइंडनेस। काइंडनेस क्या होती है? जो आपके अंदर दया होता है, जैसे किसी को तकलीफ़ में देख के आपको भी तकलीफ होती है, किसी की दर्द को समझना, किसी के दुख सुख में साथी होना, ये होता है दया भाव, कंपैशन। इसको क्या कहते हैं? दया। ठीक है, लेट्स रीड स्टोरी। ये स्टोरी है एक कंपैशन के ऊपर, आपको ये स्टोरी पढ़नी है। तो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ कपल हु लिव्ड इन द हाउस हैप्पीली विद देयर टू लवली चिल्ड्रन राहुल एंड प्रिया। दे वहाँ पे दो कपल रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे खुशहाल ज़िंदगी बिताते थे। राहुल और प्रिया उनके बच्चों का नाम था। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैड गो आउट फॉर वर्क। जो हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग थे, दोनों काम पे जाते थे। सो दे हायर्ड अ रिलायबल वुमन टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। अपने बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने एक औरत को हायर किया हुआ था। बोथ यूज़ टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न लेट एट नाइट। दोनों ही सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात में लेट से घर पहुंचते थे। वन डे इज सो हैपेंड दैट दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम अ लिटिल अर्लियर देन दे हैड प्लान्ड। वो जैसे एक दिन क्या हुआ, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग आज घर जल्दी चलेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? As they were returning, they noticed smoke. जब वो लौट रहे थे घर की तरफ, तो उन्होंने धुआं जैसे नोटिस किया। दे फाउंड अ होम इन फ्लेम्स। जो घर है वो आग के चपेट में है। हस्बैंड ड्रोव क्लोजर टू द होम एंड एक्सक्लेम्ड। जब वो हस्बैंड जो रहता है, वो उस घर जो जलता हुआ घर है जहाँ से धुआं आता है, उसके वहाँ तक गाड़ी लेके पास नज़दीक जाता है। दैट होम बिलोंग्स टू मिस्टर गांधी। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे, ये तो मिस्टर गांधी का घर है, हु वर्क्स एट द प्लांट। जो उसके साथ ही उसके काम में प्लांट में काम करते हैं। ही वुड नॉट बी होम येट। वो तो घर पे अभी होंगे नहीं। मे बी देयर इज समथिंग वी कुड डू। कुछ ऐसा हो सकता है जो हम लोग मदद कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा हो सकता है। वाइफ रिप्लाइड। तो वाइफ ने क्या बोला? वॉट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? यू हैव योर गुड क्लोथ्स, आप तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। लेट्स नॉट गेट क्लोजर टू द हाउस। तुम अच्छे कपड़े पहने हो, तुम उस घर के करीब मत जाओ, वरना तुम्हारे कपड़े क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। बट हर हस्बैंड इग्नोर्ड हर रिमार्क्स। लेकिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ की बात एक नहीं सुनी। स्टॉप द कार नियर द हाउस। और कार के घर के नज़दीक कार रोकी। होल हाउसेस वॉज बर्निंग ऑन फायर। और वो सारी जो पूरा घर है वो आग से जल रहा था। द वुमेन इन द लॉन वॉज इन हिस्ट्रिकली कंडीशन एंड वॉज स्क्रीमिंग गेट द चिल्ड्रेन। और जो एक औरत रहती है लॉन में, वो बहुत ही डरी हुई कंडीशन में रहती है और सोचती कैसे अपने बच्चे को बाहर निकाले, अपने बच्चों को वो ये देखती रहती है। हस्बैंड देख रही थी कि कैसे वो घबराई हुई सी और डरी हुई सी, वो कैसे अंदर जाए, वो आग में कैसे अपने बच्चों को बचाए, तो वो देख रही थी। हस्बैंड अब आस्क्ड द लेडी। हस्बैंड ने पूछा औरत से कि वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ हैं? द वुमेन रिप्लाइड इन द बेसमेंट डाउन द हॉल एट टू द राइट। इन द बेसमेंट, नीचे वाले घर में हैं, बेसमेंट में हैं, और हॉल में और राइट साइड में। इन स्पाइट ऑफ द वाइफ प्रोटेस्ट, हस्बैंड पोर्ड अ बकेट ऑफ वाटर ऑन हिमसेल्फ। एंड उसने क्या किया, एक पानी का अपने ऊपर, वो पानी अपने ऊपर गिरा लिया। पूरे जैसे वाइफ के मना करने के बाद भी उसने अपने ऊपर पूरा पानी का गिराया। एंड होल्डिंग अ वेट टॉयल, और अपने गीले टॉवल को अपने ऊपर लपेट दिया। ऑन इन हैज़ एंटर्ड द हाउस। और फिर वो अपने हेड पे वो गीला टॉवल ये सब लपेट के और फिर घर के अंदर एंटर किया और बेसमेंट की तरफ गया। द बेसमेंट वॉज फुल ऑफ स्मोक। बेसमेंट जो है वो पूरा धुएं से भर गया होता है। ही ओपन द डोर एंड ग्रैब टू चिल्ड्रेन। जब वो दरवाज़ा खोलता है और दो बच्चों को पकड़ लेता है, ईच अंडर हिज आर्म लाइक अ फुटबॉल। और वो फुटबॉल प्लेयर जैसे फुटबॉल पकड़ते हैं अपने आर्म में, बाहों में, तो वैसे ही वो पकड़ लेता है बच्चों को। बट ही कुड हियर सम मोर विम्परिंग। लेकिन वो कुछ और भी आवाज़ें सुनता है। ही रेस्क्यूड द टू चिल्ड्रेन एंड फिल्ड हिज लंग्स विथ फ्रेश एयर एंड स्टार्टेड
बैक डाउन देयर, और फिर वो उसके उसके जो जैसे बच्चे धुएं से सांस लेने में उनको दिक्कत होती है, तो वो उनके लंग्स में फ्रेश एयर करता है, ऐसे मुंह से उसको फ्रेश एयर देता है और फिर उसको ऊपर लेके जाता है। दे टोल्ड हिम दैट मोर टू मोर चाइल्ड वर देयर, और फिर वो बताते हैं कि दो बच्चे और हैं। हिज वाइफ प्लीडेड, उसने उसकी वाइफ ने, जो एक और लेडीज रहती है कि जो उसकी वाइफ रहती है, वो बोलती है कि नॉट टू गो एज द हाउस वॉज द वर्ड्स ऑफ फॉलिंग, बट द हस्बैंड वेंट बैक। लेकिन वो उसने हस्बैंड ने कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, उसकी वाइफ बोलती है नहीं तुम मत जाओ, जो जल रहा है घर घर के जल के अब गिरने वाला है, अब तुम मत जाओ वहाँ पे। लेकिन हस्बैंड ने उसकी एक नहीं सुनता है और फिर से जाता है। इट टुक लॉन्ग फॉर हिम टू फाइंड बोथ द चिल्ड्रेन, और फिर वो बहुत टाइम लेता है बच्चों को ढूंढता है, बहुत टाइम में बच्चे मिलते हैं। थ्री ऑफ देम वर कॉफिंग एंड ही वॉज स्टम्बलिंग ऑन द स्टेप्स, और फिर वो बहुत तीन बच्चे जो होते हैं वो और भी ज़्यादा जैसे खांसते रहते हैं। ही वॉज स्टम्बलिंग ऑन द वैन अ थॉट वेंट थ्रू हिज माइंड, देयर वॉज समथिंग फैमिलियर अबाउट द लिटिल बॉडीज क्लिंगिंग टू हिम, और फिर वो दो बच्चे जो रहते हैं वो उसके साथ लग जाते हैं। वेन दे कम आउट इन द सन लाइट, जब वो बाहर सूर्य की रोशनी में आते हैं, ही फाउंड दैट ही हैड जस्ट रेस्क्यूड हिज ओन चिल्ड्रेन, वो ऐसा फील करता है जैसे वो अपने बच्चों को बचाया हुआ हो आग से। द बेबी सीटर हैड लेफ्ट दैम एट मिस्टर गांधीज होम वाइल शी डिड सम शॉपिंग, जो बेबी सिस्टर सीटर रहती है वो देखती रहती है कि जब वाइल शी डिड सम शॉपिंग, जो कि जैसे ऐसा लगता है कि कुछ उसने खरीदा है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस हरी, अ लिटिल मोर लाफ्टर, अ लिटिल लेस वरी। इसका मतलब ये है कि आपको दया थोड़ी बहुत दिखानी चाहिए, थोड़ी कम जल्दी में रहना चाहिए। अगर ये जो अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ जल्दी में रहते तो शायद आज ये बच्चे नहीं बच पाते। ठीक है, तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, रीड दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर नंबर 1, कंपैशन। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट।